हेलो माय डियर किड्स एंड पेरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल माय पाठशाला बाय नीतू निगम। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास थर्ड कंप्यूटर पेपर से एमसीक्यू पार्ट टू। इसमें मैं आपके लिए चैप्टर फोर एंड चैप्टर फाइव मोर एंड एमएस पेंट एंड इंट्रोडक्शन टू एमएस वर्ड 2010 इससे एमसीक्यू लेकर आई हूँ, जो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल एंड इंटरेस्टिंग रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन, विच टूल्स इज यूज टू ड्रॉ ए स्ट्रेट लाइन। इनमें से कौन से टूल की मदद से हम सीधी लाइन खींच सकते हैं? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, लाइन। लाइन टूल से हम सीधी लाइन खींच सकते हैं। क्वेश्चन नंबर टू, इन एमएस पेंट विच टूल्स इज यूज टू ड्रॉ वेब्स। एमएस पेंट में हम किस टूल की मदद से वेब्स ड्रॉ कर सकते हैं? ऑप्शन ए लाइन टूल्स, बी कर्व टूल्स, सी पॉलीगॉन टूल्स एंड डी नन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ऑप्शन बी कर्व टूल। कर्व टूल की मदद से हम वेब्स ड्रॉ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री, विच इज नॉट अ पॉलीगॉन। इनमें से कौन पॉलीगॉन नहीं है? ऑप्शन ए सर्कल, बी लाइन, सी रेक्टेंगल एंड डी नन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी लाइन। लाइन जो है पॉलीगॉन नहीं है। क्वेश्चन नंबर फोर, शॉर्टकट फॉर अंडू इज ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस जेड, बी कंट्रोल प्लस वाई, सी कंट्रोल प्लस यू एंड डी नन। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस जेड अंडू का शॉर्टकट की है। क्वेश्चन नंबर फाइव, विच ब्रश इज यूज टू क्रिएट पेंटिंग विथ फाइन लाइन्स एंड बोल्ड स्ट्रोक्स। इनमें से कौन से ब्रश की मदद से हम पेंटिंग में फाइन लाइन एंड बोल्ड स्ट्रोक बना सकते हैं? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी मेकर ब्रश। मेकर ब्रश की सहायता से हम पेंटिंग में फाइन लाइन्स एंड बोल्ड स्ट्रोक्स बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स, व्हाट इज एमएस वर्ड प्रोग्राम। एमएस वर्ड प्रोग्राम क्या है? ऑप्शन ए वर्ड प्रोसेसर, बी हार्डवेयर, सी टूल्स और डी नन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए वर्ड प्रोसेसर। एमएस वर्ड प्रोग्राम एक वर्ड प्रोसेसर है। क्वेश्चन नंबर सेवन, विच इज नॉट ए पार्ट ऑफ फाइल टैब्स। इनमें से कौन सा ऑप्शन फाइल टैब का नहीं है? ऑप्शन ए न्यू, बी सेव, सी कट एंड डी नन। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी कट। कट जो है हमारा फाइल टैब्स के ऑप्शन नहीं है। क्वेश्चन नंबर एट, टाइटल बार अपीयर्स ऑन द स्क्रीन। टाइटल बार स्क्रीन पर अपीयर्स कहाँ पर होता है? ऑप्शन ए राइट में, बी टॉप में, सी बॉटम पर या डी नन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी टॉप। टाइटल बार हमें एमएस वर्ड में टॉप पर स्क्रीन में शो होता है। क्वेश्चन नंबर नाइन, देयर आर स्क्रॉल बार इन वर्ड डॉक्यूमेंट। स्क्रॉल बार वर्ड डॉक्यूमेंट में कितने होते हैं? ऑप्शन ए टू, बी थ्री, सी फोर या डी नन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए टू। एमएस वर्ड में टू स्क्रॉल बार होते हैं, हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार एंड वर्टिकल स्क्रॉल बार। क्वेश्चन नंबर टेन, अ वर्ड प्रोसेस इज अ प्रोग्राम। वर्ड प्रोसेसर इज अ प्रोग्राम क्या है? ऑप्शन ए हार्डवेयर, बी सॉफ्टवेयर, डी बोथ, सी बोथ एंड डी नन।
Correct answer is option B, software. A word processor program जो है एक software होता है. बच्चों आपको याद होगा हमने पिछले क्लास में पढ़ा था, हार्डवेयर उसे कहते हैं जिसको कि हम टच कर देख सकते हैं. कंप्यूटर्स के पार्ट्स होते हैं जैसे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, सीपीयू, ये सारे पार्ट्स जो होते हैं वो हार्डवेयर होते हैं. जबकि सॉफ्टवेयर जो हम कंप्यूटर के अंदर जिस काम को करते हैं जिसे कि हम टच करके नहीं देख सकते हैं वो हमारा सॉफ्टवेयर होता है. सो वर्ड प्रोसेसर इज ए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम. क्वेश्चन नंबर 11. टू स्टार्ट एमएस वर्ड फर्स्ट क्लिक ऑन. एमएस वर्ड पर फर्स्ट क्लिक करके हम कहाँ से खोलते हैं? ए टास्क बार, बी टाइटल बार, सी स्टार्ट बटन या डी नन. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी स्टार्ट बटन. स्टार्ट बटन पर क्लिक करके हम एमएस वर्ड में फर्स्ट क्लिक करते हैं स्टार्ट बटन पर. उसके बाद एमएस ऑफिस में जाकर हम एमएस वर्ड पर क्लिक करते हैं. क्वेश्चन नंबर 12. देयर आर बटन्स आर अवेलेबल ऑन द टाइटल बार. टाइटल बार में कितने बटन्स होते हैं? ऑप्शन ए 2, बी 3, सी 4 या डी नन. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी 3. टाइटल बार में कॉर्नर पर 3 बटन्स होते हैं, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्लोज बटन. क्वेश्चन नंबर 13. वेयर इज प्रेजेंट रिवन इन द एमएस वर्ड 2010. रिवन बटन एमएस वर्ड में कहाँ पर होता है? ऑप्शन ए टाइटल बार, बी टास्क बार, सी स्टेटस बार या डी स्क्रॉल बार. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए टाइटल बार. टाइटल बार में रिबन्स ऑप्शन एमएस वर्ड में मौजूद रहता है. क्वेश्चन नंबर 9. देयर आर स्क्रॉल बार इन वर्ड डॉक्यूमेंट. स्क्रॉल बार वर्ड डॉक्यूमेंट में कितने होते हैं? ऑप्शन ए 2, बी 3, सी 4 या डी नन. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 2. एमएस वर्ड में 2 स्क्रॉल बार होते हैं, हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार एंड वर्टिकल स्क्रॉल बार. क्वेश्चन नंबर 15. अ रिवन हैज़ 2 पार्ट्स. रिवन के 2 पार्ट्स होते हैं, ये कौन कौन से होते हैं? ऑप्शन ए टैब्स एंड ग्रुप्स, बी रूलर एंड टैब्स, सी लेफ्ट एंड राइट, डी अप एंड डाउन. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए टैब्स एंड ग्रुप्स. आज के लिए इतना ही. प्लीज़ हमें कमेंट करके अवश्य बताएं कि आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए. साथ ही बेल आइकॉन दबाना ना भूलें जिससे कि आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए. साथ ही आपको मैं यह भी बताना चाहूँगी कि इससे पहले मैंने क्लास फर्स्ट एंड क्लास सेकेंड्स के चैप्टर वाइज वीडियो अपने चैनल पर डाल रखे हैं. साथ ही उसके बुक के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और फर्स्ट एंड सेकंड ओलंपियाड एग्ज़ाम पर्पज़ से कंप्यूटर चैप्टर्स के एमसीक्यू भी हमने डाले हैं. तो प्लीज़ अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर जाकर अवश्य देखें. थैंक यू.